सहजनवा थाना के खीरीदाड़ गांव में दो दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट की घटना में एक पक्ष द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट का आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से आहत होकर एसएसपी आवास पर पहुंचकर घेराव किया और कार्यवाही की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने आरोपियों पर कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए ग्रामीणों को शांत किया। इस मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, कैंट थाना प्रभारी रवि राय सहित पुलिस बल मौजूद रही। ले लिया वो दिखा दे अपना नाम नंबर दे दो ताकि जरूरत पड़ने पर साहब आपसे संपर्क कर सके। अभी हम सब क्या दे रहे हैं जान कोशिश दे रहे हैं कल सुबह सीओ साहब से, लेकिन आपसे हमारा निवेदन है कि हरेक का जो है घर परिवार होता है ये तरीका नहीं है। घर बोला लेकिन आवास है सुबह है ये सुबह यही कदम था मिले वो तो हो गया ना तुम्हें समझा ही दिया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने कहा, खीरीदाड़ के लोग हैं अपने गांव के कुछ लोगों पे जो है ये मारपीट का आरोप बता रहे हैं लगा रहे हैं। इनको आश्वस्त किया गया है कि कोई भी जो है किसी तरह से आप लोगों के प्रति अन्याय नहीं करने पाएगा और इनसे एप्लीकेशन ली गई है और गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की गई है।